नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। बीजेपी कार्यालय पर चल रही है बैठक, अब खत्म हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ले रहे थे बैठक, निकाय चुनाव को लेकर चल रही थी अहम बैठक। दूसरे चरण के प्रत्याशियों को लेकर हुई है चर्चा, तमाम बड़े पदाधिकारी बैठक में मौजूद है। तो बड़ी जानकारी निकाय चुनाव से जुड़ी हुई कि बैठक खत्म हो चुकी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ये बैठक हुई है और बता दें भूपेंद्र चौधरी ले रहे थे बैठक और अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। निकाय चुनाव को लेकर चल रही थी बैठक, दूसरे चरण के प्रत्याशियों को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। तो तमाम बड़े पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे। ज्यादा जानकारी के साथ प्रेम पाठक जुड़ चुके हैं। प्रेम, ये बैठक खत्म हो चुकी है, क्या कुछ इस बैठक में निकल के सामने आया है? प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो चुकी है दूसरे चरण के लिए। अब प्रत्याशियों के नामों को लेकर चर्चा चल रही है, मंथन चल रहा है पार्टी पदाधिकारियों के साथ में। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने ये बैठक करी है और जिसमें सभी नामों को लेकर उन्होंने चर्चा किया है कि किस सीट से कौन से प्रत्याशी को टिकट दिया जाए और देते हैं तो उसके देने से क्या समीकरण उस सीट पर बनेगा और क्या समीकरण अभी वहां पे बन रहे हैं तो किन जाति समीकरणों का ध्यान रखना है, क्या वो क्षेत्रीय समीकरण होंगे जिनका ध्यान रखना है, उन सभी चीजों को ध्यान में रखकर ही जो प्रत्याशी हैं उनके नामों को फाइनल किया जाएगा। और जैसे ही दूसरे चरण के जो प्रत्याशी हैं उनके नामों की सूची फाइनल होगी प्रदेश स्तर पर, फिर उसको शीर्ष नेतृत्व के पास भेजा जाएगा और शीर्ष नेतृत्व उनको अपनी मोहर लगाएगा, उसके बाद वो लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी। तो अभी भी बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर भी जो दावेदार है उनकी भीड़ जो है वो लगी हुई है, लगातार जो है वो अपने नाम और अपने लिए कहीं ना कहीं हर सीट से दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी है कि लगातार मंथन कर रही है, हर एक सीट का लेकर विश्लेषण किया जा रहा है, देखना होगा किसके ऊपर जो है बीजेपी दांव खेलती है। क्या लगता है पीएम, जिस तरीके से इससे पहले देखा था नंद गोपाल नंदी की पत्नी का टिकट कट चुका है, तो जब दूसरी सूची आएगी बीजेपी की तो उसमें भी किसी का टिकट कटते हुए नजर आएगा क्या? देखिए, जाहिर सी बात है कि जो सिटिंग है मौजूदा वक्त में उसमें बड़ी संख्या ऐसी है जिनको फिर से रिपीट नहीं किया जा रहा है या उनको लेकर जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव नहीं है तो उन लोग को बिल्कुल भी तरजीह जो है वो नहीं दी गई है। तो ऐसे में बड़ी संख्या में जो नाम है उनमें परिवर्तन हो सकता है और उसको लेकर चर्चा चल रही है, मंथन चल रहा है। बीजेपी अपने समीकरणों को विशेष तौर पर देख रही है कि समीकरणों के लिहाज से जो प्रत्याशी फिट होगा, जो जिताऊ कैंडिडेट होगा, केवल उसी पर बाजी बीजेपी खेलती नजर आएगी और उन्हीं को पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा। जी, भूपेंद्र चौधरी की अगुवाई में बैठक हुई है, इस बैठक में और क्या कुछ खास जानकारी निकल के सामने आई है? इस बैठक के अंदर देखिए, एक तो नामों को लेकर चर्चा करी गई है और प्रचार प्रसार किस तरीके से तेज किया जाए, किस तरीके से प्रचार प्रसार करना है, किन सीटों पर विशेष तौर पर फोकस करना है, कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पर माहौल जो है वो पार्टी के पक्ष में है, किन सीटों पर पक्ष में नहीं है, उन सभी चीजों का विश्लेषण किया गया इस बैठक के अंदर और उसके अंदर चर्चा की गई और रणनीति बनाई गई कि आने वाले चुनाव में पार्टी किस तरीके से बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगी। किस चीज के मद्देनजर प्रत्याशियों को उतारा जा रहा है बीजेपी के द्वारा, क्योंकि देखिए क्या ऐसा हो रहा है कि जिस जगह ज्यादातर विशेष समुदाय के लोग हो तो उसके मद्देनजर उसी समुदाय से किसी को उतारा जा रहा है, इस बात का ख्याल रख रही है क्या बीजेपी? देखिए, बीजेपी है अपनी रणनीति के लिए जानी जाती है और हर एक चीज का बीजेपी ख्याल रखती है। जब प्रत्याशियों को उतारती है मैदान में, चुनाव में खुद उतरती है तो हर एक समीकरण, चाहे वो जाति समीकरण हो, क्षेत्रीय समीकरण हो या अन्य समीकरणों की बात करें, सभी चीजों को देखा जाता है। रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, उसके इंटरनल सर्वे होते हैं, सर्वे रिपोर्ट्स क्या कहती है, क्षेत्र के अंदर क्या माहौल है, किस प्रत्याशी को लेकर क्या माहौल है, मतदाताओं की संख्या कितनी है, किस वर्ग के कितने मतदाता हैं और उस सीट पर उतारने से दूसरी सीटों पर क्या कुछ इसका असर पड़ेगा, सभी चीजों को विश्लेषण काफी हाई लेवल पर जो है बीजेपी में हमेशा ही किया जाता है। और कहीं ना कहीं बीजेपी जब भी किसी भी एक कैंडिडेट को पार्टी के सिंबल पर लड़वाती है तो उसमें इन हर सभी मानकों का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है। जी प्रेम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं में जीत का जोश भरने और चुनावी रणनीति बनाने के लिए गोरखपुर आए हैं, जहां मंडल के सभी जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ दो स्थानों पर मैराथन बैठक कर रहे हैं। सभी बैठक एक घंटे की होगी। तो वहीं इस सभी जिलों में निकाय चुनाव के तहत प्रथम चरण में 4 मई को मतदान होगा। बैठक में महानगर पदाधिकारी के साथ जनप्रतिनिधि भी मौजूद है। तो बैठक सीएम योगी की सुबह से ही चल रही है और 1 बजे का वो वक्त बताया गया था जब सीएम योगी गोरखपुर पहुंच के ये बैठक लेंगे और निकाय चुनाव के मद्देनजर ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से
काफी कोशिश की जा रही है कि इस बार समाजवादी पार्टी के वोटर्स को साधना है। हालांकि पहले से ही बीजेपी इस चीज में अपना दम दिखाते हुए नजर आ रही है। और अब देखिए, सुबह से लगातार ये बैठकें हो रही है, के बाद एक बैठक हो रही है क्योंकि दूसरी सूची भी जारी करनी है बीजेपी को प्रत्याशियों की। उसके मद्देनजर भी प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष भी बैठक ले रहे हैं, तो दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ रन में उतरते हुए नजर आ रहे हैं और हर एक घंटे के अंतराल पर ये बैठक ले रहे हैं। कई नगर निकाय में जाके ये बैठक ली जा रही है उनकी तरफ से। तो गोरखपुर पहुंचे हैं, गोरखपुर में नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर लगातार बैठकें हो रही है, लगातार चुनाव को साधने की कोशिश की जा रही है। चुनावी मैदान में सभी पार्टियां उतरी हुई है, बीजेपी भी की तरफ से भी पुरजोर कोशिश की जा रही है। तो कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में, जनप्रतिनिधि में जोश भरने का काम एक तरीके से योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, सूबे के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जिससे वो अपना कमल जो है वो नगर निकाय चुनाव में खिला सके। क्योंकि इस बार का नगर निकाय चुनाव काफी अहम हो जाता है, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसके मद्देनजर इसको सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। और इसी के चलते लगातार गोरखपुर में बैठकों का दौर, बैठकों का सिलसिला जो है वो जारी है। तो निकाय चुनाव को लेकर बैठक लगातार जारी है, बीजेपी के तमाम बड़े नेता बैठक कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस वक्त सरगर्मियां अभी बढ़ी हुई है क्योंकि निकाय चुनाव कुछ ही दिनों में आने वाले हैं। प्रचार प्रसार की भी तैयारी की जा रही है, जिसमें ये जानकारी निकल के सामने आ रही है कि खुद सूबे के मुख्यमंत्री इस प्रचार में शामिल हो सकते हैं और त्रिस्तरीय ये प्रचार किया जाएगा। तो हर तरीके की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, और इसी बात से पता चलता है कि कितनी ज्यादा मान्यता रखता है यह नगर निकाय चुनाव बीजेपी के लिए, ना सिर्फ बल्कि समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस और तमाम दलों के लिए जो कि निकाय चुनाव को साधने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। तो बता दें कि समाजवादी पार्टी ने भी अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है और अब बीजेपी के दूसरी सूची जारी करने का इंतजार किया जा रहा है। और लगातार मीटिंग का दौर जिस तरीके से जारी है, लग रहा है कि जल्द ही दूसरी प्रत्याशियों की सूची जो है बीजेपी जारी कर सकती है। तो गोरखपुर में जाके सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बैठकें ले रहे हैं, के बाद एक बड़ी बैठक उनकी तरफ से हो रही है। तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और चुनाव को साधने की कोशिश लगातार बनाई जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ आदित्य नारायण श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। आदित्य, बात की जाए तो कितनी बैठकें हो चुकी है अभी तक, कितनी बाकी? जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं, गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ करीब 1 बजे से बैठक कर रहे हैं। 3 जिलों की बैठक पहले करेंगे और शाम को 5:30 बजे गोरखपुर क्षेत्र के सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक करेंगे। महाराजगंज, कुशीनगर जिले के बैठक चल रही है 1 बजे से 2 बजे तक, 2 से 3, 3 से 4, फिर 5:30 बजे गोरखपुर के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और चुनाव की रणनीति तैयार करेंगे। जी, गोरखपुर को देखा जाए तो काफी अहम सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए हो जाता है, तो इसके लिए क्या नया रोड मैप लेके आ रहे हैं? जी, जैसा कि मैं बता दूं, गोरखपुर कायस्थ बाहुल है, इसलिए इन्होंने योगी आदित्यनाथ ने मेयर पद के लिए इस बार कायस्थ को टिकट दिया। जैसा कि हर बार कोई ना कोई मेयर बीजेपी का ही होता है, करीब 15-20 सालों से यहाँ पर मेयर बीजेपी का ही है, इस बार इन्होंने कायस्थ पर अपना दांव खेला है और उनको टिकट दिया है। जी, समाजवादी पार्टी की क्या कुछ तैयारी है गोरखपुर में? जैसा कि समाजवादी पार्टी ने कायस्थ को न देके एक अभिनेत्री निषाद को वोट दिया, जिसका नाम काजल निषाद है। ये पहले भी विधानसभा भी लड़ चुकी है, इस बार उन्हें कोई जीत नहीं हासिल हुई थी, इसलिए इस बार इन्होंने समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद फिर से दांव खेला है और मेयर पद का उन्हें उम्मीदवार घोषित किया है। जी, बैठक लगातार सुबह से दोपहर 1 बजे से तकरीबन हो रहा है, और इस बैठक के बाद क्या लगता है, क्या कुछ निकल के सामने आ सकता है, क्योंकि कार्यकर्ता पदाधिकारी खुद चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं? जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता जो बहुत सालों से उन्होंने टिकट उनका कट गया, इस कुछ आपसी मतभेद भी, इसीलिए मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ बैठक करके उस मतभेद को भी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और सबके साथ मिलके जिसको टिकट दिया है
और जिसको टिकट नहीं दिया उन सबों को मिलान करके वो जीत के लिए एक तैयारी की रणनीति तैयार कर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके टिकट काट दिए गए हैं बीजेपी की तरफ से, तो गोरखपुर में ऐसे कौन कौन से प्रत्याशी हैं जिनके टिकट कट चुके हैं, जिनको उम्मीद थी कि मेरा नाम सूची में आ सकता है लेकिन आया नहीं? जैसा कि गोरखपुर के ही मुख्यमंत्री है इसलिए उनके बहुत से ऐसे करीबी हैं, करीब 50 की संख्या में मेयर पद के दावेदार थे, क्योंकि योगी जी इस यहाँ से सांसद भी रहे हैं इसलिए सभी उनके खास हैं, और उन्होंने अपना जो भी पार्टी का निर्णय था, जो सख्त ऊपर के लोग थे उनके हिसाब से ही पार्टी ने टिकट दिया है। आपसी घमासान तो हमेशा मचा रहेगा क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को सोचता है कि मैं ही उम्मीदवार बनूं। जी, इस बार बीजेपी की तरफ से पुरजोर कोशिश भी की जा रही है, देखिए किस तरीके से अगर बात की जाए तो ये सेमीफाइनल के रूप में लिया जा रहा है नगर निकाय चुनाव को, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो इसलिए बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने खड़ी हो चुकी है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नगर निकाय चुनाव को देखते हुए। जी, जैसे कि निकाय चुनाव अभी शुरू हुआ है, अगले साल आपका चुनाव लोकसभा का है, इसलिए इसको बहुत ही गंभीरता से पार्टी ले रही है, इसलिए योगी जी स्वयं यहाँ पर आके पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, जीत का मंत्र दे रहे हैं और बता रहे हैं कि अगले चुनाव की तैयारी, लोकसभा की तैयारी कैसे होगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए चुनावी मैदान में सीएम योगी आदित्यनाथ भी उतरे हैं और लगातार दोपहर 1 बजे से गोरखपुर में मीटिंगों का दौर जारी है, तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष भी लगातार प्रदेश के मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका, खबरों में आगे बढ़ेंगे। और अयोध्या में स्कूल से लौट रही एक बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई है। बता दें कि बच्ची स्कूल से आते समय बस से उतरकर बस के सामने से ही घर के लिए जा रही थी, तभी लापरवाह बस चालक ने गाड़ी चला दी, जिसके बाद बच्ची के गाड़ी के नीचे आने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। तो वही राहगीरों ने बस चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है, वही पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच में जुट चुकी है। तो देखिए ये तस्वीरें निकल के सामने आ रही है कि किस तरीके से बच्ची की दर्दनाक मौत हुई है, क्योंकि एक स्कूल ड्राइवर की लापरवाही के कारण एक बच्ची ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी है। और इस तरीके की लापरवाही कई सवाल खड़े करती है। बता दें कि बच्ची की दर्दनाक मौत हो चुकी है, फिलहाल बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, और कई सवाल ना सिर्फ स्कूल प्रशासन पे बल्कि उस ड्राइवर पे भी खड़े हो रहे हैं, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना जो है वो घटित हुई है इलाके में। और औरैया की पूरी घटना है जो आपके साथ साझा कर रहे हैं। बस के नीचे आने से एक बच्ची की मौत हो चुकी है, 7 साल की बच्ची की उम्र बताई जाई है। ज्यादा जानकारी के साथ अरुण वाजपेयी जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या हुआ था? औरैया कोतवाली क्षेत्र के उधमपुर गांव का मामला है, जहां पर बस से उतरते समय 7 साल की नैना की बस के नीचे आने से दुखद मृत्यु हो गई। इसकी जानकारी के बाद मौके पर पुलिस के तमाम आला अधिकारी पहुंच गए, वहीं घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी। बताया गया है कि औरैया तस्वीर में ही सिटी में जो ये विद्यालय है ध्रुव पब्लिक स्कूल, इसमें कक्षा 1 की छात्रा बताई जा रही थी जो की अपने बस से घर जा रही थी, और बस से उतरने के बाद चालक की लापरवाही के कारण इसकी दुखद मौत हो गई। परिजनों का क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर? परिजनों ने विद्यालय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि अगर बस में विद्यालय का कोई स्टाफ होता तो ये इतनी बड़ी घटना नहीं होती। जिसके बाद मौके पर औरैया के सीओसीटी प्रदीप कुमार घटना स्थल पर पहुंचे। घटना के बाद तमाम आला अधिकारियों ने भी मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। वही पुलिस अधिकारियों का ये भी कहना है कि विद्यालय प्रशासन पर मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, इसमें मामले में जो भी लिप्त होगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्कूल प्रशासन की बात की जाए तो उनका क्या कुछ बयान निकल के सामने आया इस मौके पर? स्कूल के प्रशासन से जो स्कूल के संबंध में मौके पर सीओ सिटी ने विद्यालय प्रशासन के विद्यालय के लोगों से बात की है, वहाँ के अध्यापकों से बात की है, और जो बस का चालक था, जो बस के चालक के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, बस के चालक से भी पुलिस द्वारा बात की गई है, और अभी ये स्पष्ट तौर पर यही बताया गया है कि चालक को हिरासत में भी लिया गया, पर ये अभी पूर्णतः ये स्पष्ट नहीं हो सकता है।
अभी तो इसमें आधिकारिक बाइट नहीं हुई है, पर ये बताया जा रहा है कि चालक को भी हिरासत में लिया गया। जी, अगर बात की जाए तो उस समय परिजनों का क्या कुछ कहना था, और साथ में देखिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आएगी, क्या जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करें तो आज शाम तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, और इसके साथ साथ जिला तो जिलाधिकारी है प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव, अभी जानकारी हाल ही में मिली है कि उनके द्वारा विद्यालय के विद्यालय की जो घटना उसको लेकर एआरटीओ के साथ बैठक चल रही है, उनसे बात की जा रही है, और लापरवाह जो ऐसे विद्यालय हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाने की भी बात सामने आ रही है। क्या ग्रामीणों द्वारा अभी भी हंगामा किया जा रहा है या शांत हो चुका है? घटना के बाद जो हंगामा हुआ था उसके बाद मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंचा, मामले को शांत कराया और पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया है कि इस घटना पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं ग्रामीणों को पुलिस द्वारा ग्रामीणों को समय भी दिया गया कि समय तत्काल बहुत जल्द से जल्द इस घटना को लेकर कार्रवाई होगी, और उनके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे तमाम विद्यालय जिसमें इस तरीके से घटनाओं को लोग दावत दे रहे हैं तो उनका उन पर भी बड़ी कार्रवाई होगी। स्कूल प्रशासन के ऊपर या फिर ड्राइवर के ऊपर कोई कार्रवाई हुई है क्या, कोई केस दर्ज हुआ है? नहीं, इस पे एक मुकदमा दर्ज कराया गया है, पीड़ित जो कलम है जो बच्ची के पिता है उनके द्वारा तहरीर दी गई है, बताया गया इसमें भी मुकदमा दर्ज कराया गया, और पुलिस का ये कहना है कि जल्द ही घटना का खुलासा होगा, उम्मीद है कि आज औरैया पुलिस इस घटना पे खुलासा कर सकती है। अक्सर देखिए ये लापरवाही इसलिए हो जाती है, या तो जो चालक है वो नशे में धुत रहता है या उसका दिमाग किसी और हो रहता है, तो क्या नशे में धुत था चालक ड्राइवर? ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि चालक नशे में था या नहीं था, पर ये जरूर ये बताया गया कि बस में सिर्फ चालक था, पर बस में चालक के साथ और भी स्टाफ होता है जिससे बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से बस से नीचे उतारा जाता है, उसके बाद बस को आगे बढ़ाया जाता था, पर ये बस के चालक के अकेले होने के कारण वो बच्ची उतर रही थी और उसने पीछे से नहीं देखा है, जिसके बाद इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके बाद ग्रामीणों में विरोध व्याप्त हो गया, उन्होंने जमकर हंगामा भी किया है, पर अब प्रशासन का साफ साफ कहना है कि इसमें जांच की जा रही है, इसमें लिप्त चालक हो या विद्यालय के लोग हो सभी पे कार्रवाई होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए किस तरीके से ये घटना निकल के सामने आई है औरैया से, जहाँ पे एक 7 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो चुकी है क्योंकि एक ड्राइवर ने बच्ची के ऊपर ये बस चढ़ा दी थी। और प्रयागराज में माफिया अतीक और अशरफ हत्याकांड को लेकर गठित एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है, जहां एसआईटी ने वारदात स्थल पर कोल्विन हॉस्पिटल सहित 40 स्थानों से सीसीटीवी फुटेज को लेकर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि खुल्दाबाद थाना के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। तो वही जांच में फिलहाल तीनों बाइक जब्त की गई है जो कि अस्पताल कर्मियों की ही बताई जा रही है। तो अतीक अशरफ हत्याकांड वो हत्याकांड है जिसने ना सिर्फ सनसनी फैलाई हुई है बल्कि कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं पुलिस प्रशासन पे और वो शूटर्स पे भी। अलीगढ़ थाना क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने व्यापारी पर गोली चलाई है। बता दें गोली व्यापारी के कान के पास से होकर गुजर गई है, जिसके बाद बदमाश कारीगर के सिर पर बट मारकर मौके से फरार हो गए। तो वहीं मौके पर मौजूद व्यापारियों ने बट मारने वाले बदमाश को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। वहीं घायल व्यक्ति का मेडिकल परीक्षण कराकर लिखित शिकायत लेते हुए पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। शाहजहांपुर के थाना क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे लाइन पर दो व्यक्तियों की ट्रेन से गिरकर दर्दनाक मौत हो गई है, जिसके बाद मौत की सूचना मिलने पर जीआरपी और आरपीएफ दोनों की ही टीमें मौके पर पहुंची है और रेलवे ट्रैक से दोनों के शव को हटवाया। वहीं मौके से बरामद कागजों से मृतकों की पहचान की गई है, तो वहीं शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो ये तस्वीरें हैं आपके साथ साझा करें, जहां पे चलती ट्रेन से जो है ये दोनों युवक गिर गए और इनकी मौके पर ही मौत हो गई है।
और बता दें कि पोस्टमार्टम के लिए दोनों के शव को भेजा गया है। मृतकों की पहचान उनके पास से मिले कागजों से हुई है। मौके पर जीआरपी और आरपीएफ के जवान भी मौजूद है। ये तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं रेलवे ट्रैक की, जहां पे गिर के इन दोनों की मौत हो चुकी है। रेलवे लाइन से गिरकर दोनों लोगों की मौत हो चुकी है। शाहजहांपुर की पूरी घटना है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और उसके साथी गुलाम के एनकाउंटर के बाद झांसी से एक बार फिर मुठभेड़ की खबर सामने आई है, जहां पुलिस और दो लुटेरों ने मुठभेड़ हो गई है। बता दें कि 12 अप्रैल को एक सराफ व्यापारी से लूट के मामले में दो शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों किस बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे, तो वहीं मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से दोनों आरोपी घायल हो गए हैं, जिसके बाद दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही मौके पर पुलिस ने 200 ग्राम सोना, नकदी समेत तमंचा और बाइक बरामद की है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।